आप लोगों को मारने के रास्ते से नहीं आया था, बल्कि अब मैं मार ही नहीं सकता। मेरी बीवी गांव है, गांव में है। इसलिए मैं पिस्तौल के साथ आया था, वरना मालिक ने उसे मरवा देना था। तुम्हें यहाँ बाबा साहब ने भेजा? जी। अगर यहां से थोड़ी देर तक गोली चलने की आवाज ना आई तो बाहर खड़े पुलिस वालों ने मुझे अंदर आके मार देना, और मैं कुछ नहीं कर सकता। बस मरने से पहले आप लोगों से माफी मांगना चाहता था। सके तो मुझे माफ कर दे। तुम एक काम जरूर कर सकते हो, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। मैं आप दोनों का गुनाहगार हूं। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। जी ले लीजिए। जब तुम उधर जाओ फटाफट, तुम जाओ अंदर रूम में जाके चेक करो इसको। मेरा यकीन कीजिए ना बाप साहब, हमने जमीन आसमान एक कर दिए, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। गलती हो गई मुझे, गलती हो गई तुम पर भरोसा करके। नवाब साहब प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, मुझे मौका दीजिए। सोच लो चीरो, अगर चीरो नहीं मिला तो ऐसी जगह पोस्टिंग करवाऊंगा कि घर लाश लाने वाला कोई नहीं होगा। आखिरी वार्निंग देने आया हूं, अगर आइंदा मेरी बीवी की तरफ किसी ने आंख उठा के भी देखा उसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। क्या कर रहा आप? अच्छे से जानते हैं बाबा साहब कि मैं पागलपन की किस हद तक जा सकता हूं। मैं आपके लिए इसलिए समझा रहा हूं, आइंदा कोई कोशिश न कीजिएगा कि किसी भी तरह आप महक को नुकसान पहुंचाएं, वरना उसका नुकसान जिंदगी भर आप उठाएंगे। क्यों बाबा साहब, आखिर क्यों आप हमें हमारे हाल पर नहीं छोड़ देते? मैंने क्या बिगाड़ा है आपको? आप ही का तो बेटा हूं,
फिर भी आपका नाम, आपकी ये जायदाद, ये घर, अपनी सारी आसाइशें सब छोड़ तो गया। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए बस एक दरख्वास्त है आपसे, मेरे सब्र को नाजमा है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बकवास मुझे पिघला देगी? हार का लफ्ज नहीं है मेरी किताब, और ना ही मैंने हारना सीखा है। जब तक वो नासूर तुम्हारी जिंदगी से निकाल नहीं देता मैं, तब तक तो चैन से नहीं बैठूंगा। झूठियां ना आपकी, और आपकी ये झूठियां ना आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। आप देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आप सब कुछ खो देंगे बाबा साहब। आप देखिएगा, आखिर में पछतावे के अलावा और कुछ बचेगा नहीं आपके पास। एक बात याद रखिएगा, आप हमेशा मुझे अपने और महक के बीच में पाएंगे। बहुत मोहब्बत करता हूं उसे, आज भी नहीं आने दूंगा उसमें। आपसे अगली मुलाकात अब कोर्ट में होगी। मैं सासा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सासा हारी हारी, मैं रुल दी मारी मारी, मैं सासा हारी हारी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सासा हारी हारी। शमशेर, तुमने अपनी जिंदगी मेरे लिए बर्बाद कर दी, कहां से कहां आ गए। तुमने कभी सोचा नहीं कि अगर तुम मुझे छोड़ दो तो हमारी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है। तुम अब भी चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? अगर दिमाग से सोचूं तो वाकई बहुत नुकसान किया मैंने, सब कुछ खोकर सिर्फ तुम्हें पाया, और पता नहीं पाया भी है या नहीं। लेकिन अगर दिल से सोचूं तो ये दिल फायदे या नुकसान नहीं देखता, अमीरी गरीबी, मुश्किलें आसानियां, दिल नहीं जानता ये बात। इस दिल ने सिर्फ तुम्हें चाह है, अब बहुत चाह। पहले दिन से लेके आज तक मेरी चाहत में जरा भी कमी नहीं हुई। क्या करूं, दिल के हाथों मुझको, मैं
हमने पा लिया मुझे। आज जल्दी फ्री हो जाऊंगा काम से मैं। क्यों? आधे दिन की छुट्टी ली है, वकील के पास जाना है ना। शुरू से बात हुई थी ना उस दिन, दो दिन में वापस आ जाएगा कह रहा था। शमशेर एक बार फिर सोच लो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। खुदा खुदा करके तो सब कुछ नॉर्मल हुआ है। मैं नहीं चाहती अब कुछ भी बुरा हो। अब कुछ बुरा नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। महक, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देख ली, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। को महक, मैं जानता हूँ निधा ने तुमसे बदतमीजी की और तुम्हें मैं सुनाई नहीं दे रहा। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन महक, तुम्हें समझ नहीं आ रहा वो क्या कह रही है। वो कह रही है उसने तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। कजन है वो मेरी और ये हम दोनों का। क्या क्या हम दोनों का? हम दोनों का कुछ नहीं, जो भी है वो हम दोनों का है। और जो बात शमशेर कह रहा है मैं भी वही कह रही, समझ आई? आ गया तुम्हें? ये बात याद रखो, वरना हवाओं का रुख बदल गया, तुम बहुत कमजोर बुनियाद पर खड़े हो। आइंदा मैं को तंग किया, दोनों टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे। याद है ना, आज भी वही शमशेर। जिंदा रहूंगा तो खवाई दूंगा ना, फिर लोग मुझे मार देंगे। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AYR डिजिटल YouTube चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट।